जब ये हैप्पीनेस बेसिक कोर्स किया था तो उसमें क्वेश्चन पूछते हैं कि आपकी इस कोर्स से क्या अपेक्षा है क्या चाहते हैं ये वो बोलते हैं ना आप आज ईश्वर आपके सामने खड़ा है मांगो आज आप जो मांगोगे वो मिलेगा आपको तो मैंने उस नोटबुक में लिखा था कि गुरुजी सिटी में मेरा सुंदर सा घर हो और उस घर में आप एक दिन आओ ऐसे करके मैंने आंसर लिखा था तो फिर थोड़ा टाइम हुआ डेली मेरी साधना तो कंटिन्यू थी आपने बीच बीच में कभी करते कभी कभी छोड़ देते कभी में ऐसे कर रहे थे और हमारी स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी उस टाइम तो... मतलब फाइनेंशियली भी हम लोग मतलब आप सोचो मैं मतलब हजार दो हजार तीन हजार की नौकरी में करता था तो कुछ भी ऐसा था नहीं कुछ इतना बहुत कुछ लेकिन मैं पीछे पढ़ने लग गए इनके की लेकिन हम सेवा करने लगे अगर जितने भी लोग सुन रहे हैं ना अभी हमारी बात को सेवा ये अपने जेहन में रख लेना जितने भी लोग सुन रहे हैं बस बाकी मैं बताऊंगा इसके बारे में भी आपको तब फिर मैंने इनको पीछे पड़ी कि अपन सिटी में आप चाहे छोटा सा प्लाट ले लो और एक घर बना दे तो बोला अरे कैसे संभव है तो जैसे तैसे करके वो एफ डी हमने एक प्लाट लिया फिर उसमें दो हजार मेरे पास सॉरी मेरे पास जब वो प्लॉट लिया उस प्लॉट की कीमत थी साढ़े नौ लाख रुपए मेरे पास एफडी में अमाउंट था एक लाख ग्यारह हजार रूपए मुझे अभी भी याद है एक लाख ग्यारह हजार और प्लॉट था साढ़े नौ लाख का और सिटी में वो ऐसी जगह था जहां पे सारे रिच लोग रहते थे 2006 में और बस इनने जीत करी तो मैंने कहा ठीक है अभी जीत कर रही है ना कि घर बनाना है तो मैंने कहा चलो देखते हैं एक लाख ग्यारह हजार एफ डी तोड़वा के और जिसके थ्रू भी मुझे वो प्लॉट लेना था मैंने उसको बोला मुझे चार महीने चाहिए चार महीने में अगर मैं आपका ये अमाउंट दे पाया तो मैं ये रजिस्ट्री करा लूंगा इस प्लॉट की अगर नहीं तो ये पैसे जैसे जाएंगे फिर वो कहते हैं ना साई गई तो गई जो एक बार कमिटमेंट किया तो तो मैंने उस दम के ऊपर एक लाख ग्यारह हजार के ऊपर मतलब वो मैंने वो प्लॉट का सौदा कर लिया चार महीने का उन्होंने सामने वालों ने भी मुझे साइड दे दिया और तीन महीने में वो साढ़े नौ लाख रुपए में उनको दे चुका था और वो कहां से आए ये चमत्कार ये मैं चमत्कार बोलूंगा मेरा कोई बिजनेस मतलब मेरा साढ़े तीन हजार रुपए का सैलरी था सब कुछ था लेकिन उस टाइम में कुछ ऐसा हुआ कि मेरे को कोई पुरानी गाड़िया मुझे आने लगी वो जब महिंद्रा में था मैं तो ऑटो डील के लिए तो जो गाड़ी मेरे पास आती थी पुरानी एक्सचेंज के लिए मैं उस गाड़ी को रखता था और कोई शाम को आके मुझे एक लाख रुपए ऊपर में वो गाड़ी मुझे एक लाख रुपए ऊपर देके चला जाता था ले जाता था तीन महीने में मुझे वो साढ़े नौ लाख रुपए मुझे सिर्फ इन गाड़ियों से मिल गए मुझे पता ही नहीं चला कि ऐसा भी हो सकता है और वो प्लॉट ले लिया मैंने फिर मैं जिद करने लग गई कि अब इसको बनाए अब ये बोले बनाओ मेरे का कुछ भी कभी नहीं है हमारे पास कभी तो बनेगा कभी तो गाइस एक बार शुरू कर दो आप जैसे तैसे करके फिर उसको पीछे पड़ के बैंक सेव करके और शुरुआत करवाई नीचे का पूरा पोर्शन बन गया ऊपर जब बनने लगा तो आपने दो बेडरूम उसमें भी मेरे पास 50000 रुपए थे जिससे मैंने काम स्टार्ट किया ये आर्किटेक्ट थे भैया हम किसी के मोहरत में गए थे मकान के तो इन्हें देख लिया आर्किटेक्ट अच्छा है इन्हें बहुत अच्छा मकान बनाया तो वो पीछे पड़ गई तो वो बोले कि भाई आपके हस्बैंड ही मतलब मुझे नहीं बोल रहे आप बोल रहे हो तो मैं भाई कोई आगे कुछ बात हो तो मैं करूं तो एक दिन मैं बस बैठा था अपने शोरूम पे और वो जा रहा था मंदसौर से नीमच की ओर और वो आया मुझे दादा बोलता था वो दादा बोले वो क्या करें हम लोग मतलब भाभी पीछे पड़ती है और घर बनाने के लिए मैं भाई पैसे तो है नहीं मेरे पास पर फिर भी वो पीछे पड़ रही है तो चल मैं भी सिर फिर रहा हूं ये पचास हजार रुपए मेरे पास कल कमाई के आए ऑटो डील के तो ये ले ले और तू कल से काम चालू कर दे तेरे को करना है तो पैसे आते रहेंगे मैं लगाता रहूंगा बस इतना मुझे पता है ये खत्म हो गए पैसे तो शायद हो सकता है कि जो भी वो अपना काम बंद हो जाए या काम रुक जाएगा है ना तो वो बोले मैं हाथ में पैसे तो नहीं लेता मैं अगर अभी आज तू पैसे लेके चला गया मैं मंगलवार में हनुमान जी को बहुत मानता था मैं आज मंगलवार है मैं दे रहा हूँ ले ले अगर आज तूने पैसे ले लिए तो घर बन जाएगा अदरवाइज मेरे पास एक सामने वाला अः को बंदा है वो प्लॉट मांग रहा है मुझे दो लाख रुपए ऊपर दे रहा है तो मैंने जीवन में दो लाख रुपए देखे नहीं कभी भी कमाई के तो मैं वो दो लाख रुपए में प्लॉट बेच दूंगा तो उसको लगा कि ये पता नहीं कुछ भी कर देगा मैं शाम तक आऊंगा इतने तो उन्होंने वो पचास हजार रुपए ले लिए मैं बोले ठीक है चलो मैं ड्रॉइंग बनाता हूँ और अपने घर का काम शुरू करते हैं बस वो दिन था पचास और तब मेरा काम शुरू हुआ और टू में मैंने घर का काम शुरू किया एंड में सेवन में टू में में मैंने स्टार्ट किया था जनवरी फरवरी में और 2008 अप्रैल में मतलब मेरे घर का मुहूर्त हो चुका था